हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में। स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि मैं अभी ससुराल का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, नंद की शादी का, और बैक टू बैक शादी का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और कोई दूसरा कंटेंट नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी बैक टू बैक शादी ही हो रही है और शादी में ब्लॉगिंग ही दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बाबू के साथ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे कैसे गए, सुबह में नहा धोवा के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, जैसा कि शादी का रस्म मैं ही पूरा कर रही हूँ। तो सुबह में नहा धोवा के और वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। और यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो गई है पूजा के साथ, और यहाँ पे इतना खिड़की पास पूजा रूम बैठे हैं, इतना ठंडा ठंडा हवा, फ्रेश फ्रेश हवा लग रहा है, चिल चिल। और मैं नहा धोवा के अभी पूजा पाठ कर ली हूँ, आज सूट पहन ली हूँ, कि आज कुछ काम नहीं है, शाम को है मेहंदी फंक्शन, तो सोचा चलो अभी सूट डाल लेती हूँ, शाम को साड़ी डालूंगी। तो आई होप कि आप लोग ससुराल ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करेंगे। एंड जैसा कि हम ही गिढ़ाड़ी के सारा जो विधि व्यवहार होता है पूजा का और शादी का, वो मैं ही कर रही हूँ। तो रोज़ सुबह सुबह उठ के मध्यदर में पोछा लगा के जो भी होता है पूजा करना रहता है, तो अभी पूजा कर लिया और मम्मी मेरी आई है, तो चलते हैं नाश्ता पानी करवाते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को हल्दी ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो ननद काफ़ी प्यारी लग रही थी, और मैं कैसी लग रही थी फटाफट कमेंट करिए। और आज मैं पहनी हूँ थोड़ा लाइट वेट में नायरा सूट, तो चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। चलिए बाबू से मिलाते हैं आप लोग से। तो चलिए जो भी रिचुअल्स होंगे, जो भी मोमेंट होंगे, आज मेहंदी रस्म से वो मैं आज शेयर करूँगी। मैं सोचा चलो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बीच में मैं क्लिप दिखा नहीं पाती हूँ, मतलब भागम भाग इतना सारा काम धाम हो जाता है, बाबू को भी उसमें संभालना है, तो बहुत सारा चीज़ छूट जाता है। वैसे जो भी मेन मेन चीज़ होता है मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग के साथ। मैं सोचती हूँ जो लोग मतलब फैमिली मेम्बर में या क्लोज जो है नहीं आए, वो घर बैठे शादी ब्लॉग को इंजॉय करेंगे। एंड शादी नंद की सिस्टर की शादी को जैसे आप लोग प्यार दिए, वैसे नंद की शादी को भी देंगे। गाँव में किस तरीके से सारे फंक्शन रिचुअल्स होते हैं वैशाली में, मेरा ससुराल बताया जैसा कि आप लोग ने बताया भी वैशाली हसनपुर मनार है। सो कल बारात आने वाली है, तो आज मेहंदी रसम। सो चलिए एंजॉय कीजिए, चलिए फाइनल लुक दिखाते हैं आप लोग का। डांस कर रहा बेटा मेरा, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहे लल्ला लल्ला, क्या आप लोग डांस प्रैक्टिस कर रही हैं? तो इधर आके करिए लल्ला, डांस प्रैक्टिस चल रहा है मम्मी का साथ, नानी के साथ, हल्दी फंक्शन को हल्दी प्रैक्टिस कर रही है यहां पे, बिकॉज़ आज मेहंदी है सबका, ये बस लास्ट टाइम प्रैक्टिस। चलो मौसी हुआ को चलो मेहंदी देखने के लिए। गैस तो अभी दुल्हन मेहंदी लगा रही है, अब कुछ देर में मेहंदी फंक्शन होने वाला है। दुल्हन को आज नहीं खिलाई है, मेहंदी लग गया है। मेरा मेहंदी कब लगेगा, मेरा मेहंदी कब लगेगा, रच रच के मेहंदी लगाई रे, अच्छा लग रहा तो बहुत टाइम लगेगा, अभी आधे हुआ है। जो टाइम लगेगा ना, लड़ा शाम हो जाएगा, आप ही को लगाते हम लोग का करिश्मा कैसा लगेगा, लगा दीजिएगा। अगर इनको होगा तो इन तो सीखो, डिमांड किए हैं हम भी। तो गाइस तो यहाँ पे हम मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, करिश्मा लगा रही है मेरी मेहंदी,
देखते हैं मेरा मेहंदी का रंग कैसा लगता है और कैसा लगाती है करिश्मा। हेलो करी करिश्मा। हेलो भाभी का मेहंदी लगा रहे अभी। देखते करिश्मा आज कैसा रचाती है। जो दुल्हन को लगाने आई है वो बहुत टाइम ले रही है, इसलिए हम लोग सोचे चलो धीरे धीरे सब थोड़ा देर बाद पहनी मम्मी। तो गाइस तो यहाँ पर दुल्हन का मेहंदी लग चुका है, निशा और आई थिंक विष्णु लिखा हुआ है मेहंदी पे, आप फूल देख सकते हैं। और मेहंदी जो लगाई बहुत ही अच्छा लगाई है। मेहंदी है रचने वाली, ऐसे दिखाई हाथों में गहरी लाली, अरे सखिया मेरी मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली। बाबू रेडी हो रहा है ग्रीन ग्रीन कपड़े में, मम्मा भी रेडी, मेरा मेहंदी सूखने का वेट कर रहे हैं, मेहंदी लग चुकी है मेरी। इधर बाबू को मम्मी कर रही है रेडी ग्रीन ग्रीन कपड़ा में, और ये वाला आम के पल्लो गिढ़ाड़ी जो की है वही अभी चौथाड़ी दिन तक पहनना है। मेरी मेहंदी थोड़ा थोड़ा सूखा नहीं है अभी, तो बस थोड़े दिन में उतारेंगे। ये देख सकते दुल्हन को भी लग रहा है मेहंदी, ये रेडी। हवा इतना तेज है, ठंडा जैसा चल रहा है मौसम। लगा रही हैं, हो गया मम्मी तेल लगा रही, लग गया पर मैं ऐसे भी ठीक लग रहा था, वो पूरा ज्यादा ओवर हो जाएगा ना। मेहंदी लग गया ना, मेहंदी डिजाइन से हो गया ना दादा। देखे मेहंदी निशु लग गया, मेहंदी पसंद आ रहा है मेहंदी। दुल्हन की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, पैर में बस थोड़ा थोड़ा बाकी है। ये क्रेडिट जाता है, इनका नाम क्या है, करिश्मा बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। जब भी महनार में डिमांड हो हसनपुर में तो कॉल कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर ले लीजिए, कटना के जरूर प्रथम बुला। हां नंबर ले लीजिए, तुम भी खड़े बुला के और जरा बात में आसे भाभी के जरूर पड़ते तो हम फोन करवा देव, कर देना चाहता हूं। हां आपको अब जरूरत पड़ेगा, अब ब्याह है में ना जरूरत पड़े। हां अंदीना में लगवा। तो अभी यहां पे थोड़ा बहुत मेहंदी का हल्दी का कल फंक्शन था, तो हल्दी वाला हुआ था, मेहंदी डेकोरेशन हो रहा है। ये है डेकोरेशन। हाँ आ रहे। सो गाइस तो यहाँ पे अब फेस धो के आ गए जा फेस वॉश करके, और हम जा रहे रेडी होने, मम्मी रेडी हो रही है यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट, और अब मेहंदी फंक्शन शुरू होगा। दुल्हन को मेहंदी लग गई है, ग्रीन ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, मेरा मेकअप भी रखा हुआ, मम्मी हो रही है यहाँ पे रेडी, बाबू को जस्ट रेडी कर दिए हैं, और रेडी हो जाते उसके बाद आप लोग से न्यू लुक में मिलते हैं। सो गाइस हम हो गए फाइनली मेहंदी रसम के लिए रेडी, और ये देख सकते हैं कुछ मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलिए मेहंदी रसम के ब्लॉग्स इवनिंग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, ये पार्ट टू ब्लॉग कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी डांस मस्ती होगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो चलिए फाइनल लुक एंजॉय कीजिए, अपनी ननद साहिबा से मिलाते हैं, बाकी मेरे घर में 14 ननद है तो सब लोग डांस मस्ती धमाल करेंगे, मौसी चाची मम्मी फूफा बहुत लोग आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग इंटरेस्टिंग एंड डांस मस्ती होने वाला है इस ब्लॉग में धमाल। तो चलिए ब्लॉग से एंजॉय कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ले चांद अब बनाते हैं ना, बनाइए एक और एक और एक मिनट ठीक तू तू कौन सी जा रही है। हां सपोर्ट यार, ये वाइड एंगल से बनाओ ना यार, करो 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 वीडियो करो। सो गाइस तो यहां पे हम लोग फाइनली फोटो शूट करवा रहे हैं सारे ननद के साथ, सारे सासू माँ के साथ, मम्मी के साथ, और प्यारे प्यारे क्लिक करवा रहे हैं। और थोड़ा सा मेहंदी हम लोग भर के छोड़ दिए थे कि लास्ट टाइम लगाएंगे, और जो मेहंदी लगाई है गांव की है मेरे ससुराल की, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मेहंदी लगा, और उनको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे को नहीं लगा पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बच पाया, बहुत रच रच के मेहंदी लगाने में उनको लंबा टाइम लगा, थोड़ा सा स्लो लगाई हैं बट इतना ज़्यादा अच्छा लगाई हैं। तो जो भी कॉन्टेक्ट लेना चाहती है नंबर वो डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। और बाकी इस फोटो सेशन को एंजॉय कीजिए आप लोग, उसके बाद पार्ट टू ब्लॉग डांस मस्ती धमाल ननद के साथ शेयर करेंगे। Thank you.
करिश्मा कैटरीना, करिश्मा कैटरीना इधर कौन दिख रहा है? जागो 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 क्या दूसरा ओल्ड मॉडल लेके आए हैं? बोलेंगे तब लाइट और दी है और सुंदर होता है आप कर ही नहीं रहे आप हटेंगे तो एक दूसरे हटेंगे तो डांस करते एक सारे किसी जैसे आपको सो गाइस तो यहाँ पे फोटो वीडियो शूट हो रहा था कैमरेमैन से, तो थोड़ा बहुत हम लोग क्लिप वीडियो बनवाए शूट करवाए क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग में कैद करना था, तो मैं ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत क्लिप आप लोग के साथ शेयर जो है सब ननद सब हैं मेरे घर की ससुराल की और पूरा फैमिली फ़ोटो है, फैमिली ब्लॉग है, ससुराल में जितने सारे मेंबर है सबको घर के ही मेंबर है, कोई बाहर के नहीं, इतने लोग हैं 30-35 लोग मेरे घर में ही हैं और सबके साथ इंजॉय मस्ती चल रहा है। गुण 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 आप लोग का खासे दिखेंगे हेलो मम्मी सासू वालों को बैठा के डांस उस नहीं हो रहा, खाली फोटो हो रहा सब चला जाएगा। इस बार शादी में मैं खुल के इंजॉय कर पाई हूँ, कोई मतलब होता है ना कि शादी में इंजॉय करने का चीज़ ही होता है, कोई पर्दा सिस्टम नहीं रखे। पिछले बार मैं बहुत फॉर्मेलिटी निभाते निभाते परेशान हो गई थी, अरे यार रिचुअल्स भी कर रहे हैं, सारा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ऊपर से बाबू को भी देखना उतना नहीं पॉसिबल होता है। आराम से मैं ओपन पल्ला इंजॉय की शादी को और उसके बाद फ़ोटो वगैरह शूट करवाया। और आज खासियत ये है कि आज मेरे छोटे देवर का बर्थडे भी है, तो अभी बस जस्ट केक कटेगा उसके बाद पार्ट टू ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरी दोनों नंद हैं और नंद से तो भर गया है मेरे घर, कहते हैं कि हम लोग शादी करते करते थक ना जाए, ऐसे बुढ़ापा ना आ जाए, इतने सारे ननद हैं मेरे घर में। और बस कहते हैं घर के सारे लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मेरे ही घर में भरे हुए हैं, सब लक्ष्मी खाली करके चले जाएँगे, वैसा वाला हाल है मेरे घर का। तो बस एंजॉय कीजिए आप लोग भी बर्थडे ब्लॉग को देवर की। सो गाइस बड़े भाई का तो जिम्मेदारी ख़त्म ही नहीं होता, एक जिम्मेदारी ख़त्म दूसरा से तीसरा, यहाँ पूरे फैमिली का कपड़ा लेकर आए हैं, कोट कमीज लड़के का, तो पापा का, मम्मी का, सबका अपना, मतलब आज इनका तबीयत ख़राब है, हम दोनों का फास्ट चल रहा है, एक सप्ताह से फास्ट में ही है, ना खाने का होश है ना कुछ का, तबीयत ख़राब है फिर भी भागे गए हैं, पटना गए हैं, कल मेहंदी रसम हल्दी रसम में ही डांस लो इतना कर लिए कि सब थक के चूर हो गया। और यहाँ सबका कपड़ा लेकर आए हैं, पापा का अपना, लड़की का कोट कमीज जो लड़का पहन के जाएगा, और सबको खुश करने में ही अपना जिंदगी दाव पे लगा देते कहते हैं, और सबका मतलब इच्छा पूरा करते करते करते, पता है आप लोग को हम लोग बड़े
शादी तो हुआ लेकिन वहाँ के सबसे छोटे थे, यहाँ पे सबसे बड़े बड़े लड़के से शादी हुआ, बड़े जेठानी और देवरानी छोड़ के बड़े गौतमी के रूप में हो गए। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी लोड हम लोग पर पड़ गया, उस तीन तीन बहन का शादी करना, अपना शादी करना, मतलब क्या ही कर सकते। आप लोग पब्लिकली मैं शेयर करी हूँ कि मेरे पति को मतलब धन मानेंगे कि इतना खर्च करते हैं, इतना सब कुछ लोड लेते हुए मतलब करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। आज मैं पब्लिकली कर रही हूँ, मैं यही कोशिश करूँगी, भगवान से दुआ करूँगी कि इनको इतना भगवान सब कुछ पूरा करे कि आगे भी सब कुछ करें, यही कहूँगी मैं। मेरा तबीयत एडिटिंग करने समय बीमार थी मैं, फिर भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मेरे को ना देख के इतना मतलब वो होता है कि हम लोग कितना किसी के लिए करते हैं, और कोई अगर हम लोग के लिए पैर पे समय आने पर नहीं खड़ा रहता है तो मतलब क्या ही बताएं, कितना तकलीफ़ होता है इंसान को। लेकिन सब कुछ हम लोग इग्नोर करते हुए सब कुछ सबके चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम दोनों पति पत्नी हमेशा पैर पे एक पैर पे खड़े रहते हैं, एक पैर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे छोटे देवर का बर्थडे स्टार्ट हो गया, और क्या ही करें, सब घर का वही कहानी है, कोई कभी खुशी कभी गम, परिवार में ऐसे चलते रहता है, रिश्ता लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग से बात करते करते बर्थडे हो गया, छोटे बच्चे के साथ झेल गए शादी। अभी वीडियो तो बाद में जा रहा है, बट मेरा दो दो शादी का थकावट इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब तबीयत बीमार है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि वीडियो शेयर करूँ, थोड़ा बहुत घर में काम करती हूँ तो कुछ ब्लॉग शेयर कर लूँ, तो मतलब मेरा भी मन लगा रहता है आप लोग के साथ शेयर करके, और खुशी होता है कि मतलब मेरा टाइम का यूटिलाइज तो हो जाता है घर में बैठे बैठे, तो क्या ही कबोर होना, खाना बनाना, खाना इधर उधर की बातों से, तो अच्छा है कि कम से कम मैं अपना काम करती हूँ। और ये मेरी मम्मी है जो कि आके बाबू को मतलब पूरे शादी संभाल दी, नहीं तो मेरा बच्चा तो और भी पिछड़ जाता, और भी मतलब मेरा दूध ही नहीं, मतलब फीडिंग ही नहीं कर पा रहा था, शादी में इतना ज़्यादा फास्टिंग हो गया कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और भगवान हम दोनों की इतनी बुद्धि ज्ञान और उन्नति दे कि हम लोग ऐसे ही सबका सपना पूरा करते रहे और सब लोग खुशी उमंग और चैन से रहें। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। और चलिए पार्ट टू ब्लॉग, बहुत मैं बात करते करते आज इमोशनल हो गई हूँ, और ब्लॉग को यहीं पार्ट टू ब्लॉग वन को क्लोज करती हूँ, टू शेयर करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से जल्दी आगे। और मेरी प्यारी प्यारी छोटी ननद है जो कि मेरा बहुत ही ख्याल रखती हैं, आप लोग देख सकते हैं, जागो करिश्मा, मतलब हर सुख दुख में गम में साथ देती हैं, कभी भी कभी जरूरत हुआ तो पैर पे खड़ी रहती हैं। तो मैं सबको शुक्रिया कहती हूँ कि ससुराल आती हूँ जब भी तो ये लोग मतलब कभी खाली महसूस नहीं होने देते हैं, तो यही सब प्यार से कभी भी हम लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं।